गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास सिक्स। क्लास सिक्स में हम सेकंड चैप्टर में इसी का थर्ड पार्ट रीड करेंगे, जो कि पेज नंबर 12 पर है। सबके खाने के पात्र में बचा चिस्टिक ताम चीनी के टेढ़े बर्तन में सिगार से जगह जगह जले कागज़ से ढककर रख दिया जाता था, जिसे वह हरी आंखों वाली बिल्ली के साथ खाता था। मतलब उस चीनी लड़के के बारे में बताया है कि वह मतलब झूठा भोजन खाता था। उच्चिष्ट का अर्थ होता है झूठा। बहुत रात गए तक उसके नरक के साथी एक एक कर आते रहते और अंगीठी के पास सिकुड़कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए आके निकल जाते। उसके पैरों की आठ को पढ़ने का उससे अच्छा अभ्यास हो चला था, जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी रखता आता है। उसे बहुत कुछ मिल गया है, जो शिथिल पैरों को घसीटता हुआ लौटता हुआ खाली हाथ है। शिथिल का अर्थ होता है ढीला। जो दीवार को टटोलता हुआ लड़खड़ाते पैरों से बढ़ता हुआ शराब में सब खोकर बेसुद आए हैं। जो दहलीज से ठोकर खा खाकर धम धम पैर रखता हुआ घुसता है। उसने किसी से झगड़ा मोल ले लिया आदि का ज्ञान उसे अनजाने में ही प्राप्त हो गया था। कि मतलब कैसे, मतलब जो भी आते थे उसको ठोकर मार मार के निकल जाते थे, लेकिन फिर भी वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। यदि दीक्षांत संस्कार के उपरांत, दीक्षांत संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा समाप्ति के बाद उपाधि मिलने का काम। विद्या के उपयोग का श्री गणेश होते ही उसकी भेंट पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से नहीं हो जाती तो इस साधना से प्राप्त विद्यता का अंत क्या होता है यह बताना कठिन है। पर संयोग से उसके जीवन की दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि वह कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा। मतलब अब उसकी भेंट एक अपने ही पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से होती है, तो वो वहीं दुकान पर काम करने लगता है, तो अब उसका जीवन थोड़ा बदल जाता है। प्रशंसा का पुल बांधते बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाना, गज से इस तरह नापना कि जो रत्ती बराबर भी आगे न बढ़े, चाहे अंगुल भर पीछे रह जाए, रुपए से लेकर पाई तक को खूब देखभाल कर लेना और लौटाते समय पुराने खोटे पैसे विशेष रूप से खनका खनका कर दे डालना आदि का ज्ञान कम रहस्यमयी नहीं था। पर मालिक के साथ भोजन मिलने के कारण बिल्ली के उच्चिष्ट सभोज की आवश्यकता नहीं रही और दुकान में सोने की व्यवस्था होने से अंगीठी के पास ठोकरों से पुरस्कृत होने की विशेषता जाती रही। चीनी छोटी अवस्था में ही समझ गया था कि धन संचय का अर्थ होता है धन इकट्ठा करना से संबंध रखने वाली सभी विद्याएं एक सी है, परंतु मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठापूर्वक कर सकता है और किसी का छिपाकर। अब यह है कि जब वो एक व्यापारी की दुकान पे काम करने लगा वो चीनी लड़का, तो वो इतना पारंगत हो गया था कि किस तरह से कपड़ा नापना और कैसे रुपये पैसे को पहचान कर लेना देना, सारा वो इस विद्या में पारंगत हो गया था। कुछ अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का प्रयत्न किया, पर उसका पता न पा सका। ऐसी बालिकाओं का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता। कभी वे मूल्य देकर खरीदी जाती है और कभी बिना मूल्य के गायब कर दी जाती है। कभी वे निराश होकर आत्महत्या कर लेती है और कभी शराबी ही नशे में उन्हें जीवन से मुक्त कर देते हैं। उस रहस्य की सूत्रधारणी विमाता भी संबद्ध पुनः विवाह कर किसी और को सुखी बनाने के लिए कई दूर चली गई थी। इस प्रकार उस दिशा में खोज का मार्ग ही बंद हो गया। अब वह अधिक समझदार होने पर उसका यह था कि वह अपनी बहन को ढूंढे, पर वह उसका पता ना पा सका। लेकिन ऐसी बालिकाएं जो गुम हो जाती है तो उनको या तो वे मूल्य देकर खरीदी जाती है और कभी वो बिना मूल्य के ही गायब कर दी जाती है, या कभी वे निराश होकर आत्महत्या कर लेती है। और जो उसकी विमाता अर्थात जो उसकी सौतेली माँ थी, उसने भी दूसरा विवाह कर लिया था। इसी बीच मालिक के काम से चीनी रंगून आया, फिर 2 वर्ष कलकत्ता में रहा और अन्य साथियों के साथ उसे इसी ओर आने का आदेश मिला। यहाँ शहर से एक चीनी जूते वाले के घर ठहराया और सवेरे 8 बजे से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहता। चीनी की 2 इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने की और बहन ढूंढ लेने की, जिसमें से एक की पूर्ति तो स्वयं उसी के हाथ में है और दूसरी के लिए वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है। मतलब उस चीनी लड़के की 2 इच्छा थी कि एक तो वह अपनी बहन को ढूंढ ले और दूसरा वह ईमानदार बनने के लिए प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है।
बीच बीच में वो महीनों के लिए बाहर चला जाता था, पर लौटते ही सिस्टर का वास्ते ही ईल आता है, कहता हुआ कुछ लेकर उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार देखते देखते मैं इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि जब एक दिन वह सिस्टर का वास्ते कहकर वो शब्दों की खोज करने लगा, तब मैं उसकी कठिनाई न समझ कर हंस पड़ी। धीरे धीरे पता चला, बुलावा आया, वह लड़ने के लिए चाइना जाएगा। इतनी जल्दी कपड़े कहाँ बेचे, और न बेचने पर मालिक को हानि पहुँचाकर बेईमान कैसे बने। यदि मैं आवश्यक रुपया देकर सब कपड़े ले लूँ तो मालिक का हिसाब चुकाकर तुरंत देश की ओर चल दे। किसी दिन पिता का पता पूछे जाने पर वह अकलाया था, आज भी संकोच से अकला रहा था। मैंने सोचने का अवकाश पाने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा। चीनी की आंखें विस्मय से भरकर पूरी खुल गई। हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है, हम कब ऐसा बोला सिस्टर। मुझे स्वयं अपने प्रश्न पर लज्जा आई, उसका इतना बड़ा चीन रहते वह अकेला कैसे रहेगा। मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है, अधिक रुपये की तो चर्चा ही क्या, पर कुछ अपने पास खोज ढूंढ कर और कुछ दूसरों से उधार लेकर मैंने चीनी के जाने का प्रबंध किया। मुझे अंतिम अभिवादन कर जब वह चंचल पैरों से जाने लगा, तब मैंने पुकार कर कहा, यह गज तो लेते जाओ। चीनी सहज स्मित के साथ घूमकर, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान, सिस्टर का वास्ते ही कर सका। शेष शब्द उसके हकलाने में खो गए। और आज कई वर्ष हो चुके, चीनी को फिर देखने की संभावना नहीं, उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं, पर ना जाने क्यों वह दोनों भाई बहन मेरी स्मृति पट से हटते ही नहीं। मतलब यादों का पर्दा, स्मृति पट का अर्थ होता है यादों का पर्दा। लेकिन इसमें महादेवी वर्मा ये कह रही है कि आज भी वो दोनों भाई बहन मेरे स्मृति से हटते ही नहीं हैं। चीनी की गठरी से कई थान में अपने ग्रामीण बालकों के कुर्ते बना बनाकर खर्च कर चुकी हूँ, परंतु अब भी तीन थान मेरी अलमारी में रखे हैं और लोहे का गज दीवार के कोने में खड़ा है। एक बार जब इन थानों को देखकर एक खादी भक्त ने आक्षेप किया था, आक्षेप का अर्थ होता है आरोप, जो लोग बाहर से विशुद्ध खद्दरधारी होते हैं वे भी विदेशी रेशम के थान खरीद कर रखते हैं, इसी से देश की ही की उन्नति नहीं होती। तब मैं बड़े कष्ट से हंसी रोक सकी। वह जन्म का दुखियारा, मात्र पितृहीन और बहन से बिछुड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार चीन में पहुंचने का आत्मतोष, आत्मतोष का अर्थ होता है अपना संतोष, इसका कोई प्रमाण नहीं, पर मेरा मन यही कहता है। मतलब इसमें महादेवी वर्मा ने इस जो अपना ये पूरा लेसन है, इसमें उस चीनी व्यक्ति के मार्मिक दशा का, उस चीनी व्यक्ति के जीवन के मार्मिक दशा का वर्णन किया है। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।